तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई लेटेस्ट कंपैरिजन वीडियो में। यहाँ पर दोनों ही फोन जो है बिल्कुल लेटेस्ट हैं। आपका एक तरफ है ओप्पो का F17 Pro और उसी का कंपैरिजन हम करने वाले हैं रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी 7 का। दोनों ही फोन के दो दो फोन लॉन्च हुए, ओप्पो का F17 और F17 Pro, रियलमी का 7 और 7 Pro। तो यहाँ हमने दोनों ही फोन को लाकर रखा है, जानेंगे क्या चीज़ें खास, कौन सा फोन आपको कम बजट में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। तो बिल्कुल उसको जानने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लो ताकि आने वाला कोई अपडेट आप समझ लो। नहीं, फोन के हम डिजाइन पैटर्न को और डिजाइनिंग की बात करते हैं, किसमें आपको बेटर सा फील और लुक यहां पर देखने को मिलता है। तो जैसे कि ओप्पो F17 Pro में यहां पर काफी बढ़िया प्रीमियम से कलर के साथ फोन आता है। यहां पर दो मल्टी कलर में फोन, एक ब्लू शेड है और कॉर्नर पे जो है वो आपको पर्पल कलर देखने को मिल जाता है। साथ ही में पीछे की तरफ क्वाड कैमरा का सेटअप है, जो आपका बंप है कैमरे का वो थोड़ा सा उठा हुआ है। इसके लिए आपको फोन को प्रोटेक्शन के लिए बैक किस लगा के रखना पड़ेगा और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की फिनिश देखने को मिल जाती है मैट के साथ साथ, मतलब स्क्रैच के चांस काफी ही कम आपके फोन पे यहाँ पर बनने वाले। उसी के बाद यहाँ पर बात करते हैं हम रियलमी के 7 में। तो 7 में काफी शाइनी सब आपको पीछे की तरफ फिनिश देखने को मिलता है। यहाँ भी दो मल्टी कलर में आपको फोन देखने को मिल जाता है, जैसे कि नीचे की तरफ बिल्कुल डार्क ब्लैक का शेड है और ऊपर की तरफ ग्रे हो जाता है ये। और जो कैमरा पैटर्न है वो एक के नीचे एक वर्टिकल शेप में मिलते हैं और जो कैमरे का बम्प है वो सिमिलर साइज ओप्पो F17 Pro की तरह उठा हुआ है। इसी के प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पर भी फोन में बैक केस लगा के रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको पॉलीकार्बोनेट की फिनिश पीछे की तरफ देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पर फोन का दोनों ही डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर। तो डिस्प्ले साइज यहाँ पर दोनों के फोन का काफी लगभग सा है। रियलमी के 7 में हम देखें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का आपको IPS LCD पैनल मिलता है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ साथ। बेजल यहाँ पर काफी कम है और सिंगल पंच होल सेल्फी आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है। सबसे खास चीज 90Hz का रिफ्रेश एक मिड सेगमेंट फोन में रियलमी ने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा है। ओप्पो के F17 Pro में हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच का एक सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। ओप्पो ने यहाँ पर काफी बढ़िया वर्क करा अपने डिस्प्ले को लेकर और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको डुअल पंच होल सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। बेजल्स यहाँ पर भी फोन में काफी ही कम है, यहाँ पर काफी प्रीमियम सा फील आपको डिस्प्ले में दोनों ही फोन में देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा ऊपर नीचे। जैसे कि ओप्पो F17 Pro की बात करें तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है, जो ओप्पो F15 में भी सिमिलर से देखने को मिला था। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, 2 मेगापिक्सल के आपको डेप्थ सेंसर और माइक्रोशॉट फोन में देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर राइट साइड पर रियलमी 7 की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस आपको फोन में देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और माइक्रोशॉट फोन में नजर आ जाते हैं। मतलब ओवरऑल थोड़ा सा पिक्सल रिजोल्यूशन काफी बेटर आपको रियलमी 7 में देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही फोन के फ्रंट सेल्फीज की बात करें तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेल्फी प्लस 2 का आपको वाइड एंगल यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ यहाँ पर हम बात करें रियलमी 7 के, यहाँ पर भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फोन में देखने को मिल जाता है। और इसी का आपको डिटेल कैमरा कंपैरिजन चाहिए, रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वालिटी को लेकर तो प्रोसेसर के मामले में दोनों ही फोन काफी ही बढ़िया है। दोनों ही फोन में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ओप्पो F17 की बात करें तो यहां हमें मिला है मीडियाटेक का हेलियो P95 प्रोसेसर, वहीं रियलमी 7 में इसी का पोजीशन मीडियाटेक का हेलियो G95 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों ही प्रोसेसर काफी बेटर है, गेमिंग एक्सपीरियंस मतलब आपका काफी शानदार से यहाँ पर होने वाला है। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर अगर हम बात करें फोन के वेट वगैरह को लेकर तो वेट के मामले में डिजाइन के मामले में ओप्पो का F17 Pro काफी ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा मेनली फोकस कंपनी ने यहाँ पर डिजाइन को लेकर दिया है। और लाइट वेट इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप जो है 4000 का मिल जाता है और साथ ही साथ एक 30 वाट का सुपर फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। वहीं रियलमी 7 में यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी बड़ी सी देखने को मिलती है, इसलिए थोड़ा सा फोन यहां पर वेट में ज्यादा है और 30 वाट का एक सुपर फास्ट चार्जर फोन में यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फोन के प्राइस सेगमेंट को लेकर के, आपको यहां पर कौन सा फोन कितने बजट में देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट 20,000 से अंदर है तो यहां पर रियलमी 7 आप ही के लिए बनाए क्योंकि 8GB 128GB वाले वेरिएंट आपको यहां पर 16,999 मतलब के अराउंड 17,000 की कीमत में यहां पर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप ओप्पो के ब्रांड के शौकीन हैं तो ओप्पो का F17 Pro आपको 8GB 128GB 22,990 अराउंड 23,000 की कीमत पे करने पर मिलता है। लेकिन स्पेसिफिकेशन के मामले में काफ़ी सिमिलरिटी से फोन के अंदर लुक वाइज अगर देखें तो दोनों ही फोन काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ अगर आपको कौन सी ब्रांड पसंद आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाला कोई अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।